जनता द्वारा जनता के लिए प्रसारित जनता टेलीविजन के नियमित कार्यक्रम मैथिली संदर्भ में अपने सबके स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम सब मैथिली भाषा के वर्तमान अवस्था परिस्थिति आ वही के विषय पर केंद्रित रहकर बातचीत करब। हमारा संग सहित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक वर्तमान मातृभाषा प्रमुख एवं मैथिली भाषा जानकार प्राचार्य डॉक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादव जी हुनका संग बातचीत करब। स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करब एखन मैथिली भाषा के विषय पर अपने आई हम अपने दुनू कोई बहस करब। ओ के हिसाब से जब बात करी तो एखनुक अवस्था में जब वर्तमान अवस्था में देखल जाए तो मैथिली भाषा के अवस्था की है, परिस्थिति की है, वो बारे किस बताबी। मैथिली नेपाल में मैथिली भाषा के स्थिति पहले विश्व में ले लिया। मैथिली अंतर क्रॉस बॉर्डर भाषा छे, क्रॉस बॉर्डर लैंग्वेज है। मुख्य रूप से नेपाल और भारत में बाजल जाए थे। करीब करीब विश्व में देखल जाए तो मैथिली का स्थान करीब 25 विश्व के 25 से 30 भाषा के बीच में वक्ता के संख्या के हिसाब से बहुसंख्यक भाषा के रूप में विश्व में मानल जाते। नेपाल में जहाँ तक सवाल है, नेपाल में यहाँ के वक्ता के संख्या के हिसाब से दोसर स्थान छे। पहला स्थान में नेपाली भेल, दोसर स्थान में भेल करीब 12%, लगभग 12% नेपालक जनसंख्या के 12% लोग मैथिली बजत मातृभाषा के रूप में। एक अतिरिक्त एक दोसर भाषा के रूप में सो विभिन्न भाषा भाषी सब मैथिली बजत तो एक स्थान देखिए तो बहुत बहुसंख्यक भाषा के रूप में स्थापित है नेपाल में। भारत में सो भारत में की से स्थिति कहा के संविधान में करीब 22 भाषा 8 अनुसूची में सूचित किया गया है, ते में मैथिली सो है। ते द्वारे भारत में सो मैथिली के स्थान बहुत ऊपर है। नेपाल में तो खैर दूसरे नंबर पर है। जी जी अपने डॉक्टर साहब एक बात जोड़ी जेने अपने कहने की विश्व के जो बात करी तो 20-25 स्थान में मैथिली भाषा के स्थान है, भारत के 8 सूची में, नेपाल के दोसरे स्थान में है। मुदा एखन आधुनिक विकास करवाक समय में मैथिली भाषा अपने विवाद में कतौ अपन रास्ता बाट निक हो, अपन रास्ता बाट खोज रहा है। मानकीकरण या व्याकरण के बात करी वही में उजरा रहा है, जेना नहीं बुझाए। जहाँ धरि अहाँके नेपालक संदर्भ अछि, नेपाल के संदर्भ में मैथिली के देखल जाए तो मैथिली भाषा जेना नेपाली भेले, नेपाली ओकरा औपचारिक रूप में सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयोग भ रहल छै। ताहिके बाद शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग भ रहल छै। ताहि तरह मैथिली के प्रयोग नहीं भ रहल छै, मैथिली सरकारी कामकाज में सेहो नहि प्रयोग भ रहल छै। आ अहाँके शिक्षा के माध्यम के रूप में बहुत नगण्य रूप में बहुत उत्साह से नहीं भ रहल छै। आ एक बात हम अहाँके इहो जे जोड़ दी जे अखन ई भाषा आयोग जे छै, भाषा आयोग एकटा काम कऽ रहल छै, भरकर शुरू भेल छै जे प्रदेश नंबर 2 में 8 जिला भेलै। तो प्रत्येक जिला के में यह जूम सा एक गोष्ठी बनाएल छै। तो प्रथम गोष्ठी समाप्त कर वहाँ के 2 दिन पहले 70 जिला के समाप्त के लिए हम सब ओकर कोऑर्डिनेटर एक समन्वयकर्ता हमरे सब नियुक्त केने छथि। और राम भरोस कापर जी छथि, दोसर बात डॉक्टर गोपाल ठाकुर भेल भोजपुरी के लिए, आन भाषा आयोग के पदाधिकारी सब छै, सब मिल के ई कार्यक्रम छै। तऽ प्रथम हम सब शुरू केने छी जे ओतऽ सँ 70 सँ आ लऽ के अंत में 8 जिला के सब प्रसाद के आबै।
70 के हम सब समाप्त कलो आ करीब 60-65 आदमी जी जी जूम मीटिंग में सहभागी भेल। आब अहाँ के आई बुधवार आई जी बुध से जी दोसर बुध के सिरहा जिला डेवलप होल जी एक बाद धनसा के होते एना करते आठों जिला के एक छलफल केला के बाद मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा नेपाली तो छह है एक अतिरिक्त आन बहुसंख्यक भाषा सबके केना रखल जाए ते संबंध में बात कल जाए। जी एखन डॉक्टर साहब अपने एक जनकि मैथिली भाषा कामकाजी के भाषा भेलाक बाद एकर एक निक आधार भेटते एकर निक मानकीकरण भेटते एकर निक व्याकरण होते एकर विकास होते जे समग्रता में अपने जना बतेलहुँ। कोनो भी समय एहन रहे जे नेपाल के इतिहास में बहुत लंबा समय तक मैथिली भाषा कामकाजी के भाषा के रूप में रहे। अब काज के आ बात के बात करबे तो सब दिन मैथिली पर होते रह गए मुदा संतोषजनक काज अपने से हम बुझे चाहब अपने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के वर्तमान एखन मातृभाषा के प्रमुख से बहुत भाषा के बारे में जानकारी है लगातार विषय के भाषा सब के बारे में जानकारी है तो संतोषजनक काज एक बढ़िया काज ई भ गेलै आधिकारिक रूप में आधुनिकता के देश में जे की बुझाए अपने के इस आधुनिक भाषा के विकास में मैथिली के आब आधुनिकरण तरफ ल जाए समय में पुराने प्राचीने के एक जोड़ के आबल है ओना हो कि प्राचीन और समृद्ध भाषा कहे से मतलब संतोषजनक काज कौन बुझा रहा है इस मैथिली में जे ई भ गेलै अब ई बाहे के दोसर काज करे के बाकी है जना एक एकर इतिहास देखल जाए सिमरौनगढ़ में आके मैथिली के सरकारी कामकाज के भाषा छले सिमरौनगढ़ राज्य जे छले मिथिला राज्य तैमे तै के बाद की भेलै त अहाँ के सेन वंश सब एकरा एकरा पर आधिपत्य जमल गया त ई सेन वंश जे भेलै त ओहो में मैथिली अहाँ के सरकारी कामकाज के भाषा रहै ऑफिशियल लैंग्वेज जी जी। तै के बाद अहाँ के मल्ल पीरियड जे भेलै मल्ल समय में तो मल्ल समय में हरि सिंह देव के ऊपर में अहाँ के ओकरा राज्य पर तुगलक अहाँ के मुस्लिम सब आक्रमण केला के बाद सब काठमांडू में बैग गेले तो ओकर ओकर जे दरबारी लोग सब छले सब मैथिली भाषी सब छले मैथिली विद्वान सब छले सब काठमांडू में आबि के मल्ल के राजा सब के दरबार में रहले आ इहो जे मैथिली उसब मैथिली सीखल के आ मैथिली में बहुत काज सब जी जब भेले हमरा अखन का सम आधुनिक संदर्भ में ई बात जे अखन कह रहल छै मैथिली यदि अहाँ के प्रादेशिक कम से कम प्रदेश नंबर 2 के सरकारी काम काज के भाषा में होते तो मैथिली के लेल मैथिली के भविष्य बहुत उज्ज्वल भए जेतै जी किया तो मैथिली के विकास के बात होते जना अहाँ कहलिए जी जी मानकीकरण के बात होते शिक्षा में प्रयोग होते एकर अनुवाद अन्य भाषा में हेते मैथिली से नेपाली के मैथिली में अनुवाद हेते मैथिली के नेपाली में अनुवाद हेते अंग्रेजी में अनुवाद हेते तो एकर एक बहुत विकसित भेलते भाषा आ एक अखन अहाँ के भारत में खास करके सेहो अखन अहाँ एक बात जे हाले में एक महीनों ने भेले बुझे नया शिक्षा नीति लागू कल के जी जी आ नया शिक्षा नीति में की कल के तो जते मातृभाषा छे सबके शुरू से प्रयोग कल के मैथिली जते छे हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी के बाद में शुरू करते शुरू में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के उजा कल के तहिना यदि नेपालो में यदि सरकारी कामकाज के भाषा में मैथिली भए छे कम से कम प्रदेश नंबर 2 में आ ओय के साथ साथ शिक्षा में सेहो प्रयोग होय छे संचार माध्यम में प्रयोग है जना अहाँ सब कह रहल छी जी जी तो निश्चित रूप से मैथिली भाषा के बहुत विकास है जी। जनकि अपने फेरो से वही कामकाजी भाषा पर लौ जाएब हम अपने के अखन कामकाजी भाषा प्रदेश नंबर 2 के कमती में हो जे अपने के जोड़ रहा है लेकिन वैसे पहले ई बात मैथिली में एकरूपता नहीं है ओना भाषा में विविधता होना कोनो बड़का बात नहीं है मुदा एक दोसर के भाषा स्वीकार्य नहीं कर रहा तेहन किस्म के आरोप लग रहा है जना जनकपुर मिथिला के मैथिली के केन्द्र बिंदु मानल जाए वाला सदखन से केन्द्र बिंदु मानल जाए वाला स्थान में
मगही भाषा होय या अन्य भाषा सब लोक हमर भाषा मैथिली नहि अछि, हम मगही बाजै छी, लगायत अहाँ जे बाजै छी से दोसर भाषा अछि, हमसब बाजै छी से मगही मात्र मैथिली अछि, से कहि कऽ एकटा निश्चित वर्ग समुदाय सब एहन किसिमके एकटा षड्यन्त्र रहि रहल जे अन्य भाषा मैथिलिये भाषी दोसर भाषा बनय लेल तत्पर देख रहल अछि। ई कारण सब एकटा जे हमरा सबके अध्ययन देखल अछि, ई जे केन्द्र बिन्दुएमे मैथिली भाषा पर एते बड़का विवाद अछि, ओकर कामकाजिक रूपमे विस्तार करय लेल जे बात करबै तऽ कोन आधार देबै सरकार की जी भाई ई एना कऽ के लऽ जाउ जे एना कऽ के लऽ जेबही तऽ ई काज हेतै से कहि कऽ कोनो आधार होइ पड़लै नहि सर। तऽ अखन जे ई यदि सरकारी काम काज के भाषा के जी यदि ई स्वीकार कऽ लेल जाइ छै जी, एकर एकर संविधान में इएह छै प्रावधान कि कोनो 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 प्रदेश में बहुसंख्यक भाषा के भाषा आयोग के माध्यम सँ ओहि भाषा के सिफारिश कयल जा सकैए जे सरकारी कामकाज के भाषा ओहि प्रदेश में होइ। जी जी यदि ई भऽ जाइ छै तऽ की हेतै तऽ अहाँके अखन जेना नेपाली में मात्रे या कोनो कोनो दरखास्तो देखे छै अथवा कोनो कोनो तरह के बात होइ छै न्यायालय में बात होइ छै सब नेपाली के माध्यम से जी से अहाँके दू नम्बर प्रदेश में मैथिली में भेटै तो निश्चित यदि ओहि भाषा के उपयोगिता बढ़ गेलै जी ओहि भाषा के उपयोगिता जखने बढ़तै तो ओहि भाषा के बहुत लोग ओकरा ओकरा अध्ययन करतै शिक्षा के माध्यम से हेतै ओकरा विकास करे के लेल सब प्रयास करतै सब कोई ओकर शब्दकोश व्याकरण अहाँ के एकटा बात जे छै एकटा बात हम प्रश्न दे ला चाहै छी जे संसार में हमरा सब के भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखबे जी जी तो हरेक भाषा समान छे जी हम सब एकटा अथी कहै छी एकटा हम सब बात मानने छे जी कि ऑल लैंग्वेजेज आर इक्वल सब भाषा समान होय छे आ सब भाषा के व्याकरण होय छे व्याकरण कोनो भाषा के व्याकरण अहाँ के लिखल गेल छे आ कोनो भाषा के नहीं लिखल गेल छे एकर मतलब ओहि भाषा के ओहि भाषा के व्याकरण नहीं छै से बात छै ओहि भाषा के व्याकरण ओहि भाषा के वक्ता के दिमाग में रहै छै जी जी ओही दिमाग में जे ओकर जते नियम छै भाषा के जी ओकरे यदि लिखल जाय तो व्याकरण के भय छै किताब अलिखित रूप में तो हरेक भाषा भाषी के दिमाग में वक्ता के दिमाग में अपन मातृभाषा के व्याकरण ओकरा दिमाग में रहते यदि व्याकरण नहीं रहते तो भाषा बजिए नहीं सकते तो भाषा बुझिए नहीं सकते से बात है। अपने भाषा विभाग के प्रमुख भ कऽ प्रदेश नंबर दू के प्राय जिला में घूमलहुँ, प्रदेश दू बाहेक अन्य ठाउँमे सेहो मैथिली बाजल जाइ छै, मैथिली भाषामे एकटा विविधता जिले पीछे फरक देखलहुँ अपने। जब बात करी तऽ मैथिली भाषाके सर्वस्वीकार्य बनायल जाए एकटा भाषा विभागके भाषा वैज्ञानिक रूपसँ जब देखल जाए तऽ कोन तरह एकरा एकरूपता लाबि कऽ होय या नहि होय या एकरा सब कोइ सर्वस्वीकार्य करे ओ अपने आपमे दावे करे कि नहीं भाई हमहूँ कनिक फरक बाजै छी लेकिन जे बजै छी से मैथिलिये बजै छी से ई कोना संभव भऽ सकै सर। एकटा चीज देखियौ जे अखन की छै कि अहाँके मैथिली भाषा सब समुदाय अपना ढंग सँ प्रयोग कऽ रहल छै जी एकदम यदि सब समुदाय मैथिली भाषा के एक एक क्षेत्र में प्रयोग करे जेना कि ऑफिस में सरकारी कार्यालय में मैथिली भाषा के प्रयोग हेतै तो ओहिमे तऽ सब प्रयोग करतै तऽ ओहिमे भाषा में समानता हेबे करतै जी। यदि मैथिली भाषा के माध्यम सँ सब आदमी बच्चा सब यदि शिक्षा में जतै ओहो जे समानता अपने भेल जतै तऽ अहाँके कोनो भाषा के यदि जखन अहाँ सब ओकर वक्ता जते छै अखन तऽ विभिन्न किस्म सँ बाजि रहल छै यदि ओहि वक्ता वक्ता सबके ओहि भाषा के प्रयोग में लबै छै कार्यालय में प्रयोग करतै शिक्षा में प्रयोग करतै लिखै में प्रयोग करतै तऽ अपने आप ओहि भाषा में एक रूपता बढ़ि जेतै ताहिके लेल बेसी प्रयास नहि करऽ पड़तै ओ बुझू जे अपन एकदमै ऑटोमेटिकली अपन एकरूपता बढ़ल जेतै तुरते तऽ नहि हेतै लेकिन धीरे धीरे जेना हिंदी में हिंदी विभिन्न प्रदेश में बाजल जाइ छै आब विभिन्न किस्म के बाजल जाइ छै लेकिन ओहिमे एकरूपता बढ़ि जाइ छै आब नेपाली में एकरूपता भऽ गेलै तऽ ओकर यदि प्रयोग करतै तऽ सब आदमी समान रूप सँ प्रयोग करतै।
जेना डॉक्टर साहब एकटा हमरा संग जेना कि मधेश के संदर्भ में जब बात करबे तो बहुत प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर सब है। ओहिमे मिथिला एकटा पुराण मानल जाय छै। 563 ईसा पूर्व इतिहास में रहल बुद्ध अपन लुम्बिनी के केंद्र बिंदु बना चुकले। मुदा एते पुरान प्राचीन आ हजारों वर्ष इतिहास भेल मैथिली भाषा एखन धरि अपन केंद्र बिंदु निर्धारण कर नहीं सक रहा है। भाषा फरक से विषय हम उठान के नौ एक कनिक अपने के जानकारी में इस एक प्रश्न कर दी। मैथिली जी की छे तो हम कहलो शुरू में जी एक उपयोगिता के सिद्धांत है। कोनो जी जी चीज अहाँ के बहुत मूल्यवान चीज रहे छे घर जी के, लेकिन अहाँ ओकर उपयोगिता नहीं हेतै तो ओकर महत्व घट घटल जेतै। एकदम सह बात भाषों के बारे में छे। भाषा मैथिली भाषा बहुत विकसित विकसित भाषा छे। जी बहुत ओकर बहुत लंबा इतिहास छे। बहुत विकसित भाषा छे के बहुत समृद्ध लोक साहित्य छे। एकर साहित्य जी लेख परंपरा छे। सब चीज छे। सब चीज रही तो एकर जे एते समृद्ध जगह नहीं अखंड लागि रहल छे। तकर मुख्य जी कारण छे एकर उपयोगिता। आप जेना शिक्षा में बहुत प्रयोग नहीं भ रहल छै। जी जी सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयोग नहीं जी रहल। ई सरकारी कामकाज के भाषा के प्रयोग यदि हुअ लगे तखने जी अहाँके एक भाषा के विकास हेतै। आई भाषा बहुत समृद्ध भ जेतै। अहाँ देखियौ जे विदेशी भाषा अंग्रेजी छै। जी जी अंग्रेजी नेपाल में एते महत्वपूर्ण क्या भ गेलै? जी क्या ओकर उपयोगिता छै? जी जी साइंस टेक्नोलॉजी वैसा सीखे छे। कंप्यूटर वैसा सीखे छे। साइंस हर एक विषय सब पढ़ल जाए छे। विदेश विदेश में जाए के मौका भेटे छे। ग्लोबल कम्युनिकेशन के बात आवे छे। तो अंग्रेजी के बहुत तो बहुत छे। बहुत उपयोग भ जी रहल छे। ओकर उपयोगिता बहुत छे। ते दुआरे अंग्रेजी के बहुत विकास भेलै। लोक सीखे छे। तहिना यदि भाषा के प्रयोग बेसी एकदम यथार्थ रूप में होए तो जी अखंड जे छे तो अपने अखंड समुदाय में परिवार में मात्र प्रयोग भ रहल जी छे। मैथिली भाषा किस व्यक्ति के मातृक कब्जा में अछि कहि कऽ सेहो एकटा व्यापक आलोचना के शिकार बनऽ पड़लै। मैथिली भाषा किस व्यक्ति के कारण सँ ई बात के जँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अपना नजर से देखैया तो कोन रूप से देखैया सर एकरा? देखियो की छे तऽ ई हम विभिन्न गोष्ठी सब में जी हमरा आमंत्रित करिए। हमरा जाइ छिए। अब उदाहरण के लेल देखियो जे जी कोनो विभिन्न समुदाय सब ई तो भाषी का एकटा एकटा भाषा होइ छै। भाषा के विभिन्न भाषी कहै छै। जी विभिन्न रूप सब बाजल जाइ छै। कुछ समुदाय एक ढंग से बजै छै। दोसर समुदाय ओकरा दोसर ढंग से देखै छै। विभिन्न समुदायों को विभिन्न भाषिका सब है। आ वो भाषिका सब हर एक भाषिका महत्वपूर्ण है। जी लेकिन की होइ छै तऽ अहाँके सामंती विचारधारा भेलै। सामंती विचारधारा ई कोनो खास समुदाय की कहत जी जे हम जे मैथिली बजै छी सैह उत्कृष्ट मैथिली छै। जी जी एकदम आन मैथिली सब वो मैथिली छेबे नहि करै। एते तक गेल छै मैथिली भाषे नहि होइ छै। जी तऽ ओहि तरह के धारणा सब जे छै ने ताहि के चलते अहाँके की बात छै तऽ अहाँके कोनो भाषा मैथिली भाषा भाषी आप ई ओकरा ई हीनता बहुत भऽ जाइ छै जी कि हमर भाषा हम जे मैथिली बजै छी से उत्कृष्ट नहि अछि। हीनता जी बहुत होइ छै। आ ताहि दुआरे ओ की होइ छै तऽ फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओ की करै छै तऽ जी जी हमर भाषा दूसरे छै। जेना ओहि दिन अपने के हाँ लग हम चर्चो केने रही कि मगही भाषा से बेसी एकटा मैथिली के फ्रस्ट्रेशन छै जे लोक ओकरा फ्रस्ट्रेशन के रूप में अपने मगही बाजी छै से कहि कऽ प्रमाणित करक लेल तत्पर भ गेलै। तब की जी छै एकटा एकर वएह छै। अहाँ जे सोल्यूशन खोजि रहल छी एकर जी की एकर सोल्यूशन भऽ सकै छै। जी एकर जी सोल्यूशन वएह भऽ सकै छै यदि मैथिली के यदि प्रदेश नंबर 2 के सरकारी कामकाज भाषा जी कार्यालय में प्रयोग हेतै। शिक्षा में प्रयोग हेतै। ई सब बात अपने आप समाप्त भऽ जेतै। जी जी अहाँके हिंदी जब भारत स्वतंत्र
महात्मा गांधी के पूछल गेले कि जी भारत के मातृभाषा भारत के राष्ट्रभाषा के कौन भाषा के मानल जाए, तो बहुत लोग उनका सुझाव दिल्कन हिंदी के होना चाहिए। जी जी सर, हिंदी 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 पर एक छोट बात अपने समझौट देव, जैन कि एखन किस राजनीतिक दल सब प्रदेश नंबर दू के संपर्क भाषा या मधेश के संपूर्ण नेपाल के मधेशी के दूटा जे कम्युनिटी है, जरा एक कम्युनिटी एक उत्तर कम्युनिटी एक दक्षिण कम्युनिटी मधेश पहाड़ कम्युनिटी है, जैसे बहुत पहाड़ी लोग मैथिली भाषा बाजू छ, लेकिन सबके संपर्क भाषा हिंदी भगल छे, हिंदी सबके मन पड़े सब हिंदी रहते तो सहज हेतु, तेहन टाइप के राजनीतिक दल सबके जोड़ बल भेट रहा है। अगर समग्रता में देखा जाए कि राजनीति के दल मैथिली या भोजपुरी के इतिहास पर धावा बोल रहा है और सखाव कर लागल इस तरह और ना कि संबंध में कि जब हम की कहा चाहते हैं जी जे हिंदी जब हिंदी के भारत के बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी की कहा कि ठीक है हिंदी होगा थे, लेकिन कौन हिंदी जी, ये पंडित के हिंदी नहीं जी, आम जे जनता हिंदी बजे से एकदम सरल सरल हिंदी से होना चाहिए। तहिना मैथिलियों के बात से मैथिली के ये पंडित एकदम संस्कृत पूरा संस्कृताइज मैथिली बजे से संस्कृत शब्द सबके बेसी प्रयोग ओते लोकप्रिय नहीं हेतु ओते लोग नहीं बुझते, तो वही तरहक मैथिली के प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरल जो मैथिली से आम आम जनता जो बुझे से मैथिली के प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तक हिंदी के बात है, हिंदी की हिंदी तराई के तराई मधेश नेपाल में थी, तो में अहा के देखियो सबसे पूर्व में राजवंशी बजल जाए जी जी, तक मैथिली के बाद अहा के पहले भोजपुरी छी थारू विभिन्न भाषा सब विभिन्न भाषा भाषी के बीच में संपर्क के माध्यम जी। हम जना हम छी तो हमर विद्यार्थी यहाँ के बीरगंज के भोजपुरी भाषी जी, हमर विद्यार्थी यहाँ के नेपालगंज के अवधिवासी, तो ओकरा सब संगे हम बजे छी, मैं हिंदी में नहीं बजे हिंदी बजे छी, ओहो सब हमरा संगे हिंदी में बजे, तो मैथिली भोजपुरी अवधि भाषी सबके बीच में एक संपर्क के भाषा के रूप में हिंदी के विकास के नेपाले में नहीं भारतों में आके हिंदी यहाँ के बहुत राज्य के अपन अपन भाषा है ना, मैथिली से बंगाली से सब, लेकिन सबके संपर्क भाषा उत्तरी भारत में खास करके दक्षिण भारत में तो अंग्रेजी हुई है, अंग्रेजी संपर्क भाषा बनल, लेकिन उत्तरी भारत में आके हिंदी संपर्क भाषा, तो संपर्क भाषा भले आप देखो एक संपर्क भाषा बहुत देश में संपर्क भाषा सरकारी ऑफिशियल सरकारी कार्यालय के भाषा भाग जेना उदाहरण के लिए अहाँ के देखियो भारत में हिंदी अहाँ के मातृभाषा बहुत कम आदमी के लेकिन संपर्क भाषा के रूप में ते द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते अहाँ के पाकिस्तान में की कहने से देखियो उर्दू 8% मात्र भरे जी जी पाकिस्तान में, लेकिन अहाँ के सिंधी पंजाबी 40-40% आदमी भरे, लेकिन सिंधी पंजाबी हो जाके सरकारी काम काज के भाषा नहीं सी जी, उर्दू से 8% क्या संपर्क भाषा से सब बुझे सिंधी भाषी उर्दू भाषी सब भाषा भाषी उर्दू बुझे संपर्क भाषा से जना हिंदी भारत में से जना तराई में हिंदी से तो तरह से तो संपर्क भाषा सो सरकारी काम काज के भाषा एहन भारतों में देखल गेले पाकिस्तानों में देखल गेले इस तरह से, लेकिन लेकिन तराई में आप तराई में तो एक प्रदेश नहीं जी एकदम एक प्रदेश रहते तो ठीक से हिंदी यहाँ के लेकिन घाटो ऊपर घाटा से घाटा की तो हिंदी के यदि सरकारी कामकाज के भाषा बना देवे तब की हेतु कि स्थानीय भाषा सब जैसे मैथिली
भोजपुरी भेल अवधि ओकर विकास अवरुद्ध भ जी जी धन्यवाद अपन बहुमूल्य समय दिलूँ तक लेल इच्छलखिन हाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक वर्तमान मातृभाषा प्रमुख डॉक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादव जी आई हम सब मैथिली भाषा के एखन वर्तमान स्थिति परिस्थिति पर बात कलूँ आजुक समय हमरा सबके एहिठाम समाप्त होइत अछि। मैथिली सन्दर्भ महीना के दोसर आ चारिम सप्ताह के बृहस्पति दिन नियमित रूप में प्रसारण होइत अछि। एखन के लेल कार्यक्रम सँ हम शिव अधिकारी यदुवंशी के सेवा आज्ञा दिअ नमस्कार।